चतरा पुलिस ने आज मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के दरियातु गांव और उपायुक्त कार्यालय के समीप से 4 तस्करों को करीब 800 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के पास से करीबन 2 लाख नकद समेत एक मारुति कार तथा एक बाइक भी बरामद की गई है। बरामद अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत करीबन 1 करोड़ रुपये है। किलो नहीं लिखा हुआ इसमें यार, पर मत अभी इसमें पैसा काम का सार करो करके नहीं किसी किसान का होगा। हो सतेंद्र भैया हाथ पीछे कीजिए ना, सुनो सतेंद्र भैया बोलो। कल 2 अगस्त 2021 को चतरा सदर थाने अंतर्गत में ब्राउन शुगर से संबंधित जो तस्कर हैं उन लोग के विरुद्ध में बड़ी कार्रवाई चतरा पुलिस के द्वारा की गई है। पुलिस अधीक्षक चतरा को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति जो अपने ज़िले के भी हैं और दूसरे ज़िले के भी हैं आकर के यहाँ ब्राउन शुगर बेचने का काम कर रहे हैं और यहाँ के युवाओं में ब्राउन शुगर का जो नशा फैल रहा है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। सूचना को सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा के नेतृत्व में एक टीम बनी। उस टीम ने शुरू में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जितेंद्र हैं और एक राहुल हैं। जितेंद्र सुरही चतरा के रहने वाले हैं और राहुल कटकमदा के रहने वाले हैं। इन लोगों के पास से कुल 25 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। उन लोगों का FIR करके संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। इसी कनेक्शन में आगे शाम को कल ही एक बड़ी खेप खपाने की तैयारी थी ब्राउन शुगर की। सूचना को सत्यापित करते हुए उसे भी रेड किया गया है। रेड के क्रम में 2 व्यक्ति बलराम कुमार दांगी और दीपक यादव, दोनों चतरा सदर के रहने वाले हैं, इन लोगों के द्वारा कुल 780 ग्राम ब्राउन शुगर की बिक्री की योजना थी, जो लगभग 37,50,000 रुपये में बेचने की तैयारी थी। अगला जो लेने वाले व्यक्ति बता रहे थे जैसा, इसको सूचना का सत्यापित करते हुए हम लोगों ने रेड किया। रेड करने के दौरान में हम लोगों को वहां से एक i10 कार मिली है और एक बाइक मिला है। जब बारी बारी से तलाशी लिया गया तो कार से 780 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। हम लोगों ने उसे DD किट के द्वारा जांच किया। जांच के क्रम में ब्राउन शुगर होने की पुष्टि मिली है प्रथम दृष्टिया। इसके साथ ही वहाँ पर 2,04,600 रुपये भी बरामद हुए हैं, उसमें से 60,000 रुपया दीपक यादव के पास से बरामद हुआ है और 1,44,000 लगभग जो है ब्राउन शुगर के साथ में गाड़ी से बरामद हुआ है। तो कुल कह सकते हैं कि 800 ग्राम ब्राउन शुगर। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।